हाई एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुगंधा शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में जिसके लिए कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ये वर्क फ्रॉम होम परमानेंटली नहीं है, सिर्फ जब तक कोविड की सिचुएशन है तब तक है। इसके बाद आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत सारी सिटीज़ हैं, बहुत सारी इंडियन सिटीज़ इसमें मैंशन है। आप अपनी नियरेस्ट सिटी में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, इस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब वैकेंसी है, जिस कंपनी में है, इसका नाम है अमेजॉन। आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट इट। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडिया में ही इसकी जॉब वैकेंसीज हैं। जिस पोस्ट पे है, इसका नाम है सेलर पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट, यानी जो लोग अमेजॉन पे अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स अमेजॉन पे सेल करती हैं। कई छोटे सेलर्स भी होते हैं जिनके खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, खुद की कोई शॉप है और वो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स अमेजॉन पे सेल करना चाहते हैं। उन छोटे लेवल के जो सेलर्स हैं, उनको कई बार प्रॉब्लम आती है, जैसे वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई डाउट होता है, क्वेरीज होती हैं, या कोई भी उनको कोई कंप्लेन होती है, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड टीम होती है जो सेलर्स के साथ ही कॉन्टैक्ट करके, उनसे बात करके उनके डाउट्स या उनके क्वेरीज, उनके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करती है। तो ये जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो वॉइस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कॉल पे या ईमेल पे, नॉन वॉइस भी इनफैक्ट, कॉल, ईमेल और मैसेज, कई तरीके से ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें मोस्टली जो कॉल पे होता है उसके लिए जॉब वैकेंसीज है, यानी कि ऐसे सेलर्स जो अमेजॉन पे सेल करना चाहते हैं, उनको अगर कोई डाउट आता है तो आप उनके लिए एक तरीके से कस्टमर सर्विस का काम करेंगे, कस्टमर केयर का काम करेंगे, आप उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। ये एक फुल टाइम जॉब है, यानी अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि आप दिन में 3-4 घंटे काम करके पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो ये वो नहीं है। यहाँ पे आपको अपना फुल टाइम देना होगा। फॉर नाउ ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी आपको ज्वाइन करना होगा। जिन सिटीज़ में आपको ज्वाइन करना होगा वो सिटीज़ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु एंड पुणे सिटीज़ हैं जिनमें ये जॉब वैकेंसी है। अगर आप जब सिचुएशन नॉर्मल होगी ज्वाइन करना चाहते हैं, इनमें से किसी में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं, ताकि वो लोग जो एलिजिबल नहीं है उनको पूरा वीडियो ना देखना पड़े। पहला पॉइंट है कि आपकी वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एज अ कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट आप सेलर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है एज सच की मैक्सिमम इतनी एज के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। सो आपकी मैक्सिमम जो भी एज, इवन इफ यू आर 30-32, यू कैन अप्लाई फॉर दिस। क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएट जिसने किसी भी स्ट्रीम में या किसी भी ईयर में कितने भी पर्सेंट के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कुछ दो तीन स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो शायद सबके पास ना हो, वो इसमें मांगे गए हैं। पहला ये है, आपके पास खुद का डेस्कटॉप या लैपटॉप हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होना चाहिए और एमएस ऑफिस होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। पहले मैं वो तीनों पॉइंट कवर कर लेती हूँ जो इसमें मांगे हैं। तो एक तो ये कि आपके पास खुद का सिस्टम होना चाहिए, खुद का डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए। सेकेंड, इंटरनेट स्पीड आपके पास मिनिमम 20 MB पर सेकेंड और ज़्यादा उससे होनी चाहिए। तो मिनिमम 20 MBPS इसमें मांगा गया है। और आपके पास दिन में डेली कम से कम 100 GB डेटा होना चाहिए। अब देखिए, एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये सबके पास नहीं होता है। कोई भी नॉर्मल पर्सन दिन में 100 GB डेटा नहीं रखता, क्योंकि उतना यूज़ नहीं होता या इतनी ज़्यादा इंटरनेट स्पीड नहीं रखता, या सबके पास खुद का सिस्टम नहीं होता है। सिस्टम होता है तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या ऑफिस अभी आपके पास नहीं है। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि अभी आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। जब आप अप्लाई कर देंगे, अगर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है, तो ये चीज़ें आप बाद में एक्वायर कर सकते हैं। जैसे कि आप जैसे ही एक वाईफाई कनेक्शन लगवाएंगे जो 1000-1500 रुपये से शुरू हो जाता है, तो आपके पास दिन में 100 GB डेटा और इतनी अच्छी इंटरनेट स्पीड ऑफ मिनिमम 20 MBPS पर डे अपने आप आ जाएगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जब ये चीज़ें हों आप तभी अप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो दिन में 100 GB डेटा यूज़ करते होंगे। Nobody uses it यहाँ पे, क्योंकि प्रोफेशनल काम है, उनके साथ आपको कनेक्ट होना होगा, इसलिए इतना ज़्यादा इंटरनेट रिक्वायर्ड है, अदरवाइज नहीं रिक्वायर्ड होता। एक और चीज़ इसमें मैंशनड है, आपके पास पावर बैकअप होना चाहिए, यानी एक तरीके से इन्वर्टर होना चाहिए। अगर आपके घर में लाइट चली जाए और अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपको छुट्टी नहीं मिल जाती है, आपको काम फिर भी करना होता है, तो ये पहले ही गाइडलाइंस आ जाती हैं कि आपके पास एक छोटा सा इन्वर्टर भी, अगर छोटा सा पावर बैकअप हो तो चलेगा। और लैपटॉप में, क्योंकि अगर आधे घंटे का भी कट होता है तो भी लैपटॉप उतनी देर चल जाता है, तो वो चीज़ और ज़्यादा अच्छी है।
पर अगेन ये सबके पास नहीं होता, जब आपकी जॉब लग जाए इसमें तब आप ये चीज़ें अपने लिए अरेंज कर सकते हैं, तो अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको इंटरनेट का नॉलेज, इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए, जो आई थिंक सभी को आता है तभी आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, यानी आपको MS ऑफिस वगैरह थोड़ा बहुत यूज़ करना आता हो, ये इसमें रिक्वायर्ड है। कम्युनिकेशन स्किल्स, अगेन मैं बता रही हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब आप इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो यही वो चीज़ें सबसे ज़्यादा जो चेक होगी, क्योंकि यही इसमें बेसिक एक स्किल मांगी गई है। इसमें जो आपकी सैलरी है ये 4 लाख पर एनम होगी, अगर हम मंथली लगाएं तो 34,000 पर मंथ होगी, बट 2.5 लाख टू 4 लाख पर एनम होगी, सो 3 लाख भी हो सकती है, 3.5 लाख भी हो सकती है पर ईयर की, पर एनम में। सो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 25,000 से 35,000 पर मंथ आपकी सैलरी हो सकती है। इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक के थ्रू जाना है। जैसे ही आप जाएंगे आपके सामने किस तरीके का पेज खुलेगा, यहाँ पे आप बॉटम में देखेंगे तो अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है अप्लाई विद लिंक, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो सिटीज़ हैं, आप इनमें से कौन सी सिटी पिक कर रहे हैं, ये आपको स्टार्टिंग में ही पिक करना पड़ेगा। आप कोई भी एक सिटी पिक कीजिए जो आपके आपके घर के नियरेस्ट हो, आपकी सिटी के नियरेस्ट हो, या फॉर एनी रीज़न आप जहाँ पे भी रह के काम करने में कंफर्टेबल है, तब आपको क्लिक, जैसे ही आप करेंगे आप इस तरीके के ऑफिशियल Amazon पेज पे लैंड करेंगे। इस पेज पे आपको जाना, यानी कि आप एबल जॉब्स के थ्रू जाएंगे। इसके अलावा एबल जॉब्स इसी पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको तैयार करने के लिए एक फ्री कोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आपको वही सब चीज़ें सिखाई जाएंगे जो Amazon का जब आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पे जो चीज़ें आपके काम आएंगी। तो अगर आप इस इंटरव्यू के लिए खुद को फ्री में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप एबल जॉब्स का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स ले सकते हैं, वहाँ पे आपकी इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इस ऑफिशियल पेज पे आप इस नोटिफिकेशन को खुद भी एक बार डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो भी पॉइंट्स मैंने बताए, इन केस मुझसे अगर कुछ मिस हो गया हो, और डायरेक्ट अप्लाई करने का जो लिंक है उससे अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।